आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सुप्रीम कोर्ट पर हर किसी की निगाह बनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से जजमेंट आ रही है उस पर हर कोई निगाह बना करके बैठा हुआ है, क्योंकि कई बड़े मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सुनवाई तुरंत होनी चाहिए थी पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीजों को टालते हुए, नजरअंदाज करते हुए उन दलीलों को सुनना ज्यादा जरूरी नहीं समझा जिससे सरकार को फायदा हो सकता था, और ऐसा ही एक पूरी तरीके से थोपने की कोशिश की गई सीए के मामले में, जहां सीए को लेकर के देशभर से 222 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और उन 222 याचिकाकर्ताओं में देश के तमाम बड़े बुद्धिजीवी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए दिखाई दिए, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मुहिया मोइत्रा और तमाम फहरिस्त लंबी है जिन लोगों ने सीए के इस पूरे मामले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी। पर दो साल पेंडेमिक आने की वजह से तमाम चीजों को टाला गया और दो साल के बाद जो है सीए की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई सीजीआई योयो ललित द्वारा, और योयो ललित ने बीते एक महीने पहले सुनवाई की। तमाम चीजें सुनने के बाद केंद्र सरकार को एक हफ्ते का समय दिया गया, और जब एक सप्ताह का समय दिया गया तो दोबारा समय दिया गया, और अब इस मामले में दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई कर सकता है, और इसमें असम सरकार को नोटिस जारी किया गया है। तमाम चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं किस तरीके से सरकार और जो लोग पिटीशन लगाए हुए हैं उनके वकीलों ने किस तरीके से दलीलें रखी हैं और सरकार ने उन दलीलों का जवाब कैसे दिया है, तमाम चीजें कैसे सुप्रीम कोर्ट से बाहर आई हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की तारीख तय की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश योयो ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए असम और त्रिपुरा सरकारों को 2 सप्ताह का समय दिया है। इसने अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाले मामलों के बैच में 2 वकीलों को नोडल वकील के रूप में भी नियुक्त किया है। याचिकाकर्ता इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वकील एडवोकेट पल्लवी प्रताप और केंद्र सरकार के वकील कानू अग्रवाल को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों का संकलन तैयार करने के लिए नोडल वकील के रूप में नामित किया गया था। शीर्ष अदालत के समक्ष सीए के खिलाफ कम से कम 220 याचिकाएं दायर की गई थी। सीए 11 दिसंबर 2019 द्वारा पारित किया गया या पूरे देश में इसका विरोध किया गया था। सीए 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ। केरल स्थित एक राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, तृणमूल कांग्रेस के सांसद मोहिया मोइत्रा, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया, गैर सरकारी संगठन रिहाई मंच और सिटीजन्स अगेंस्ट हेट, असम एडवोकेट्स एसोसिएशन और कानून के छात्रों समेत अन्य के शीर्ष अदालत में इस कानून को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी। 2020 में केरल सरकार ने भी सीए को चुनौती देने वाला पहला राज्य बनने के लिए शीर्ष अदालत में एक मुकदमा दायर किया था। कानून हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को तेज करता है, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से भाग गए और 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में शरण ली। शीर्ष अदालत ने पहले केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और केंद्र को सुनने बिना कानून पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। केंद्र ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपना हलफनामा दायर करते हुए कहा था कि सीए अधिनियम एक सौम्य कानून है
जो किसी भी भारतीय नागरिकता के कानूनी, लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है। सीए किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। केंद्र ने कानून को कानूनी बताते हुए कहा था कि संवैधानिक और नैतिकता का उल्लंघन करने का कोई सवाल ही नहीं था। याचिकाओं में तर्क दिया गया कि अधिनियम जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने में तेजी लाता है और धर्म आधारित भेदभाव को बढ़ावा देता है। संशोधन को कई अन्य आधारों पर भी चुनौती दी गई है, जिनमें धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव और 19 स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। साथ ही नागरिकता और संवैधानिक नैतिकता पर प्रावधान कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि ये अधिनियम संविधान के तहत मौल अधिकारों पर एक बेरहम हमला है और बराबर को असमान मानता है। 2019 अधिनियम ने नागरिकता अधिनियम 1925 में संशोधन किया, जो अवैध प्रवासियों को नागरिकता के योग्य बनाता है यदि वे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित हैं और बी अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हैं। ये केवल उन प्रवासियों पर लागू होता है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। संशोधन के अनुसार पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों को प्रावधान से छूट दी गई है, जिसकी तस्वीरें देश की जनता के सामने आई। पर यहां साफ तौर पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि सरकार साफ तौर पर ये कहती है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी, पर एक रिपोर्ट जब वर्ल्ड लेवल पर छपी तो ये साफ तौर पर दिखाया गया कि श्रीलंका में भी हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया जाता है। उसमें श्रीलंका का नाम मेंशन क्यों नहीं है? और अगर इन सारी चीजों को हटाया जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि संविधान आर्टिकल 25, 15 और तमाम आर्टिकल में ये साफ तौर पर कहा गया है कि जाति, लिंग के आधार पर किसी को नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो जहां संविधान को चुनौती देते हुए केंद्र सरकार ने सीए को लेकर के कानून बनाया, उस पर सवाल खड़े हुए। और अब सुप्रीम कोर्ट में जब 222 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उन 222 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पहले केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, केंद्र सरकार को सुनने के बाद जो है अब राज्य सरकार, खासतौर पर असम और त्रिपुरा को नोटिस जारी किया है, जिसकी सुनवाई दिसंबर में की जाएगी। पर दिसंबर में जब सुनवाई होगी तो सीजीआई योयो ललित नहीं होंगे, क्योंकि 8 नवंबर को उनका समयकाल जो है वो समाप्त हो रहा है और अब नए जज यानी कि नए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड उस केस की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पर किस तरीके से फैसला सीए को लेकर के लिया जाएगा, हर एक चीज आप लोगों के साथ अपडेट करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।